संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। यातायात थाने में भाजपा का जमकर हंगामा, सूबेदार को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। तेंदुए ने किया युवक पर हमला। रोजगार सहायकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 5 साल में 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है वेतन। नोटा थाना अंतर्गत अफाना टेक पर मिला स्वास्थ्य कर्मचारी का शव, क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जमकर हुए हंगामे की। यातायात थाने में बीती रात जमकर हंगामा हुआ, भाजपा के द्वारा थाने में धरना दिया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो लोग नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो यातायात थाने में धरना दे रहे हैं। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजल चौराहा का चालान किया गया है। वे चालान जमा करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनसे अभद्रता की गई, डंडे मारने की बात कही गई, जेल पहुंचाने की बात की गई, जिसको लेकर मामले ने तूल पकड़ा और जमकर यहां पर धरना प्रदर्शन हुआ। जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी यहां पहुंचे, भाजपा मंडल के कई पदाधिकारी, विभिन्न विंग के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे, जिनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, किस कारणों से यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आप धरने पे हैं। दमोह शहर में आए दिन यातायात के नियमों के पालन के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जब भी कभी अपन आला अधिकारियों से बात करो तो वो भी यातायात नियमों की दुहाई देते हुए और लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम पुलिस के माध्यम से जो किया जा रहा है, निश्चित ही वो निंदनीय है। आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष की गाड़ी जिस तरीके से पकड़ी गई और उससे बोला गया कि चालान होगा तेरा, चालान तो ठीक है, चालान करना चाहिए, लेकिन जिस यदि उसकी गलती है तो उसका चालान होना चाहिए, उसका चालान मैं भरूंगा यदि उसकी गलती है तो, लेकिन जिस हिसाब से वो साहू जी है, उन साहू जी ने कहा कि इसमें लठ मारना चाहिए, इसको तो जेल भेजना चाहिए, तो क्या यातायात पुलिस अब लठ मारेगी? यातायात पुलिस अब जेल में भेजेगी लोगों को? आप जुर्माना करिए, जुर्माना भरने को तैयार है लोग यदि गलती हो तो, लेकिन आप आम लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये पूरे दमोह जिले के लिए निंदनीय घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ में खड़े रहेंगे। यहाँ पर नारेबाजी हुई कि आईपीएल भी चल रहा है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भी पकड़ा गया था, बैठाया गया था, तो क्या मानते हैं, क्या पुलिस इस तरह का काम क्यों कर रही है? निश्चित ही पूरे शहर का, आप लोगों के माध्यम से भी मैंने कई बार पेपरों में ही पढ़ा है, कई बार टीवी चैनलों पे भी देखा है कि दमोह में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे से अपराधों में, 323 जैसे अपराधों में लोगों को बिठा लिया जाता है और उनको जबरन परेशान किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। काफी देर से हंगामा हो रहा है, क्या लगता है क्यों पुलिस प्रशासन इस तरह के कदम उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता बड़ा शालीन अनुशासित होता है, जब घड़ा भर जाता है उसके बाद ही घड़े के ऊपर पानी आता है, नाक के ऊपर पानी आ जाता है, तो लोग बाग परेशानी में अपनी व्यथा बताने के लिए और आंदोलन के लिए विवश होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना तो कभी थाने जाते हैं और ना कभी यातायात से गाड़ियां छुड़वाते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चालान की एवज में आप ये बोलो कि हम लठ मारेंगे, ये आपको किसने अधिकार दे दिया? और ये मैं आरोप लगाता हूँ सूबेदार पर कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है, किसी न किसी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानित करने की साजिश है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हम लोग, अध्यक्ष जी अभी बताए थे आईपीएल के बारे में, आपने भी प्रश्न किया था आईपीएल के बारे में, हम लोगों ने कई बार निवेदन किया कि आईपीएल के जो जिस प्रकार से चल रहा है सट्टा बाजार, उसको पकड़ने का काम करें। लेकिन हमें ये बता दें ऑन रिकॉर्ड अभी तक आपने कितने प्रकरण दर्ज करे, और आपको भी मालूम होगा, आप भी जागरूक पत्रकार हैं, कि दमोह में कितना बड़ा गढ़ है इसका आईपीएल का है, कि दमोह के लोग बाहर जाके बैठ के गड्डियां चलाते हैं। जब चैनल के माध्यम से विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप यहाँ के यहाँ लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकते? मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की तानाशाही बंद हो, और अगर नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव से आंदोलन करता आया है और आंदोलन करेगा, और ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड और बर्खास्त करने की हम लोग मांग करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, सभाओं। यातायात थाने में बीजेपी की नुक्कड़ सभा प्रारंभ हो गई। काफी देर के बाद पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनिवार इनके बीच पहुंचे, जिनके द्वारा जानकारी दी गई कि सूबेदार अभिनव साहू को निलंबित किया गया है। तब जाकर मामला शांत हुआ। किस तरह से हंगामा होता रहा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा दीपक खत्री जो यातायात पुलिस के TI हैं, उनको TI रहते हुए, चूंकि वो TI है, उनकी नैतिक जवाबदारी है, वो भार साधक अधिकारी है, उनकी देखरेख में ये सब काम हो रहे हैं, इसलिए उनकी भी नैतिक जवाबदारी है, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और चार अन्य जो पुलिसकर्मी वहाँ साथ थे, जिनने हमारे युवा मोर्चा के नगर के अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। ये हमारे तो दमोह में कट रहे, ऐसा संत बोल के गए, इसके लिए इनको क्या नैतिक जिम्मेदारी होगी? अब आप खुद सोचे कि बहुत बड़े संत इनके ऊपर इल्जाम लगा के गए, यहाँ पे गोमांस कट रहा है। मंडल अध्यक्ष की गाड़ी पकड़ी, जिला अध्यक्ष जी का क्या किसकी किससे बात हुई वो अलग मैटर है, साहब से बात हुई, CSP साहब ने बोला कि गाड़ी ले जाइए। मैं जब राजन के साथ यहाँ पे आता हूँ, जब उनसे बात करता हूँ अभिनव साहू जी से, उनके इतने प्यारे शब्द के 10 डंडे घड़ेंगे इनके लिए, और ये तो जेल लाग जाने लाग लड़का, इसकी अभद्रता देखो, उसका तब तो गाड़ी तुम चारा नहीं, उसे कोर्ट से छोड़वा लेना। CSP कहेगा कि मटर में इसको सस्पेंड करो, तब मानेंगे। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद भाई, आपने पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, आपने कसाई मंडी के ऊपर सवाल खड़ा किया है। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे पिछले 6 महीना से दुर्गंध से पूरा शहर त्रस्त है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, कोटि कोटि समर्थन करता हूँ। लेकिन लोग जो ये बता रहे हैं कि शहर में गोहत्या नहीं हो रही, वो गलत बोल रहे हैं। अभी शाम को यातायात चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी, और उसमें सूबेदार जो है यातायात थाने के अभिनव साहू, उसके द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति कृष्णाराज नाम का व्यक्ति की जो है बिना नंबर की गाड़ी थी उसमें चालान निकाल रही थी। इस मुद्दे को लेकर के बहस हो गई, तो कृष्णाराज जो है युवा मोर्चा का पदाधिकारी था, उस बहस के दौरान ये लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने मांग की कि सब सूबेदार ने जो है भद्रता की है, जो कार्रवाई की जाए, और जिलाध्यक्ष भी जो है ये मांग करने यातायात थाने आए, मेरे द्वारा जो है परिस्थिति को देखते हुए निलंबित कर रक्षित केंद्र जो है अध्यक्ष किया गया, वो प्रकरण की जांच एडिशनल SP दमोह के द्वारा की जाए। सर, कई लोगों को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे, अभी तक आपके द्वारा कितने पर कार्रवाई की गई है? हाँ, तत्काल जो मांग थी कि सूबेदार ने अभद्रता की है, तो उसके ऊपर तत्काल जो है परिस्थिति को स्थिर रखते हुए अटेस्ट लाइन रक्षित केंद्र निलंबित कर अटेस्ट किया गया है, और यदि और भी कोई कर्मचारी के द्वारा यदि कोई दोष पाया जाएगा तो जाँच के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, पूरे मामले में जाँच करें? हाँ, पूरे प्रकरण की जाँच हो। कौन कर रहा था एडिशनल? जिस तरह से सूबेदार को निलंबित किया गया है, उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, सभाओं। दमोदिया थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया था, जहां पर एक शादी वाले घर में चोरी की वारदात हुई थी। बताया जाता है कि अपनी बेटी के शादी के लिए उनके द्वारा पैसा एवं गहना बनवा कर रखा गया था, जिसे चोर चुरा कर ले गए थे। लाखों की चोरी हुई थी, जो नहीं पकड़े गए। पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में आज एक आवेदन दिया गया है। हम कोटकला से आए, मारुख सा नाम है। क्या समस्या? हमारे घर में चोरी करी है, आज ही में
और एक दिन से पुलिस चौकी में शिकायत कर रहे पुलिस कुछ नहीं सुनता कहते एफ सी आपस में दो बार गएगा इस समय दो बार हो गई कहते की भी सुनाई नहीं गई है। कितने की चोरी हुई थी? एक डेढ़ लाख रुपया है, डेढ़ दो लाख को जेवर है, झुमकी है, पाँव की पट्टी, गले की चैन है, हाथ की चैन है, नाक की लौंगे हैं चार, और एक कल के दिन भी पूरे घर के 15-20 जने मार भी आए थे कहते हमारे लड़कों को नाम लिखा सो हम मनवा भी था और दो चोरी कर चुको मुझे तो एक बार करी थी खुद कबूल का तो फलानी चीज नहीं है दिखानी नहीं ऐसी बोल रहा था। अख्तर खान कहाँ के रहने वाले? कोटा जिला। किस संबंध में यहाँ आए थे? क्या जी किस संबंध में आए थे? हम चोरी लिखवाने के लिए। कब हुई थी आपकी तरफ चोरी? हमने वो सामने वाले से पूछा, उसने हमें पूरा बताया, उसने बताया हम गाड़ी से उठा के मतलब बैठा लिए और चौकी लाए, चौकी में भी साहब को बताया, साहब ने लिखी सब करी और छोड़ दी, शाम को छोड़ दिया। कल फिर हम लोग आए, मतलब बाद में आए, कैसे आए कि जब हम लोग घर पे थे तो ये पूरे जोड़ के हम लोगों को मारने आए। किसने की है चोरी? क्या नाम है? मुकीम है और आलिम। कहाँ के रहने वाले हैं? होटल। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि हमारा सामान मिल जाए, हम ये बोल रहे हैं भैया इनको छोड़। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक चोरों को पकड़ पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों को द्वारा विभिन्न काम किए जा रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वर्ष 2017 से इनके वेतन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके चलते कई योजनाओं का भार इनके ऊपर होता है, लगातार दबाव होता है समय सीमा में योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देने का। कई तरह के काम इनसे लिए जा रहे हैं, जिससे खासे परेशान हैं, चाहते हैं कि शासन स्तर पर इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। आज हम लोग सहायक सचिव संगठन के द्वारा तीन सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय अवकाश को लेकर और तीन सूत्री मांगों को लेकर आगे ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें पहली मांग है रोजगार सहायकों का निलंबन किया जाए, या सचिव के समान हम लोगों को कार्य किया जा रहा है, सचिव के समान निलंबन किया जाए और मृत्यु होने पर हम लोगों को धनराशि दी जाए जो कि हमारे अधिकार में आती है, और किसी दुर्घटनावश किसी सहायक सचिव को अगर कुछ हो जाता है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जावे। सहायक सचिव की तीसरी मांग है कि बिना निर्दोष अब किसी की डायरेक्ट सेवा समाप्ति ना की जाए, पहले उस पर एक जांच टीम बिठा ली जाए, उसके बाद ही सेवा समाप्ति की जावे। हम सभी लोग समझ जिले से मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम से ज्ञापन देना इकट्ठित होंगे, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक हम लोगों की वेतन में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की, जबकि हर विभाग में हर साल वेतन बढ़ाई जाती है, हम लोगों से दिन रात काम लिया जाता है, लेकिन वेतन के नाम पे उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, बोल रहे कि अभी बढ़ेगा देखते हैं। और इतनी सारी योजना हम लोगों के ऊपर लाद दी गई हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, पीएम आवास है, आवास प्लस है, मनरेगा है, लेबर लगाओ सब कुछ, यानी हम ही लोग सीएम हेल्पलाइन सबसे ज्यादा समय हम लोग सीएम हेल्पलाइन में होता है, कोई फर्जी कर दे, कोई कुछ भी कर दे, उसका भी निराकरण बिना संतुष्टि के बंद नहीं करते, और पत्रकार आज लोग ब्लैकमेल करने लगे उसी में फर्जी सीएम हेल्पलाइन लगा के, बस जब तक वो बंद ना करे अपने सीएम बंद नहीं होती, हम लोग निराकरण देते हैं, निराकरण का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, और बस हम लोग आधा से ज्यादा टाइम उसी में जाता है। अगर हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है तो उसमें जो टीम गठित किया जो ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को पंचायत तक ला सके, हम लोग पंचायत में बैठकर आयुष्मान। पर कलेक्टर नाथुराम गौड़ को यह ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्यवाही की मांग की गई। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। तभाव श्रीरामपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत देवतरा बीट में तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक युवक के ऊपर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा ले जाया गया जहाँ पर उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। घटना के संबंध में युवक के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर तेंदुए के द्वारा हमला किया गया है, चेहरे पर यह हमला किया गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि रीछ ने हमला किया होगा, पीड़ित के द्वारा जहां तेंदुआ बताया जा रहा है वहीं वन विभाग रीछ की बात कर रहा है। इस जंगल में काफ़ी तेंदुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वहीं रीछ की संख्या भी अधिक है। हमें सूचना मिलते ही कि जैसे ही
अन्नू सिंह को गुलबाग में वो रोंच दिया है। तो जैसे ही सूचना मिली तो उनको लेके हम यहाँ श्रीरामपुर चौकिया यहाँ पर FIR की। रेंज में मुंशी जी को बताए, फॉरेस्ट वालों को बताए, फिर उसके बाद अपने जवेरा अस्पताल ले गए, वहाँ से पट्टी करवाए और इंजेक्शन जो भी हैं दवाई ट्रीटमेंट करवा के अब हम इनको रिटर्न ले जा रहे हैं। और वन विभाग में जब जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने बताया कि हमें आवेदन दे के और मुआवजा राशि प्राप्त होगी। सुबह कितने बजे घटना बताई जा रही है? 8 बजे की। आशीष ठाकुर और ग्राम अंदर से हम लोग 8 बजे जंगल गए थे, वहाँ पर तेंदुआ ने हमला कर दिया साथी को। साथी का क्या नाम है? साथी का अन्नू ठाकुर। क्या हुआ आपके साथ? जंगल में तेंदुए ने हमला कर दिया। तो कैसा क्या मामला है? हमें बचाने कुछ हम लोग दोनों जन बचाने गए, तेंदुए ने हमको हमने दौड़ा हमला किया उनको। इनको चोट कहाँ लगी है? सिर पर। और तेंदुआ आपको देखे? हम लोग ने पत्थर मारा उनको, दो जानवर को। आप अकेले थे? दोनों और कौन साथ में था? और हम दोनों थे। दोनों थे। सिग्रामपुर रेंजर आश्रय उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि युवक को उपचार कराया गया है, सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, मामले में जांच कराई जा रही। सिग्रामपुर से निवेश जैन के साथ संजय सरवरी, लखड़ी न्यूज। सायगढ़ के पास गाय को बचाते समय बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि पहले बक्सवा थाने में उन्हें दाखिल कराया गया था, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया है। संजय सरवरिया, लखड़ी न्यूज। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेम सिंह धगट की 125वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन दमोह के MLP शाला में किया। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका शुभारम्भ किया गया, जिसमे जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, हटा विधायक PL तंतबाय, दमो विधायक अजय टंडन एवं जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, कलेक्टर दमो एस कृष्ण चेतन विशेष रूप से मौजूद रहे। दमो सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, सांसद ने सचिव राजकुमार सिंह, डॉक्टर DM संगतानी, CHMO डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी यहां पर मौजूद रहे। 26 स्टार लगाए गए, मरीजों का यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धगट के द्वारा अपनी बात रखी गई। कुशल कार्य किया, वे एक कुशल प्रशासक भी थे तथा लोकप्रिय जन नेता भी थे। जहां तक उनके द्वारा दमोह जिले को दी गई सौगात का सवाल है, सबसे पहले वो लघु सिंचाई के ज्यादा पक्षधर थे। वर्तमान में दमोह में जितने पुराने तालाब हैं, सिंचाई के साधन हैं, वो सब उन्हीं के कार्यकाल के द्वारा बनाए गए। तालाब के निर्माण में भी उनको रुचि थी, ताकि उसका जल स्तर जो है वो बना हुआ रहे, तो तालाब निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया। सहकारिता में उन्हें बहुत रुचि थी, उन्होंने प्रांतीय सहकारी समिति एवं प्रांतीय सहकारी बैंक की स्थापना करके उसके प्रथम अध्यक्ष बने। गांवों के अंदर जिस प्रांगण में अपन बैठे हैं, MLP स्कूल का निर्माण उनके द्वारा किया गया, हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण किया गया। जहां तक अस्पताल का सवाल है, ये बहुत छोटा सा औषधालय था और उन्हीं के कार्यकाल में इस अस्पताल को रूप दिया गया और ये जिला अस्पताल जो है अपना कार्य करने लगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। चिकित्सकों के पास जाने का प्रयास कर रहा है कि
वो स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य के साथ साथ उसके कम खर्चे में सारी स्वास्थ्य सुविधाओं से उपलब्ध हो, तो वो केवल और केवल जिला चिकित्सालय के माध्यम से या शासकीय चिकित्सकों के माध्यम से इस प्रकार की सुविधा देने का काम आज इस देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अभी हमारी सीएमएचओ मैडम बता रही थी, तो चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो निश्चित ये सराहनीय पहल है कि एक सभी के स्वास्थ्य परीक्षण की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज, दबाव। नोएडा थाने की अभाना टेक पर एक युवक का शव देखा गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में अब तक किसी भी प्रकार की कोई परत नहीं खुली कि घटना कैसे हुई है। नोएडा पुलिस के द्वारा जाँच शुरू कर दी गई है। हटा सामुदायिक अस्पताल में पदस्थ देवटेक चंदोल नाम के कर्मचारी का यह शव है, जो दमोह जिला अस्पताल में अभी पदस्थ रहा है, जिसकी मौत हुई है। इस संबंध में एएसआई कनौजिया के द्वारा हम बताया गया। एक शव सूचना मिली थी कि हमारा टेक पर एक शव पड़ा है। अगर पता लगा होगा ये शायद सीधी के इसके पिताजी से बात हो रही है, और इसके दोस्त यहीं गए जो भी साथ में था वो जा रहा था, तो शव को लाके शव ग्रह रख दिया। कहाँ की घटना है? हमारा टेक की। कोई जानकारी लगी है क्या नाम है इनका? हाँ, नाम तो पता पड़ जा रहा है, उसका दोस्त आ रहा है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के पटियाकड़ा में एक पोस्ट ऑफिस है जो कभी समय पर नहीं खुलता। हर दिन तय समय से 3 घंटे की देरी पर पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खुलता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। अब डाकघर में डाक कर्मचारियों की काफी मनमानी चल रही है। स्थानीय लोग काफी परेशान होते हैं, जहां पर बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए आते हैं, वहीं लोगों को डाक के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ता है। प्रतिदिन इसी तरह का आलम रहता है। क्या कहता है पीड़ित युवक, आइए जानते हैं। वाही से काम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी पोस्ट करने के लिए तो बहुत डिले हो रहा है। इससे जनता ग्रामीण क्षेत्र की बहुत परेशान है। कई बार कुछ पेशेंट की नागपुर से मेडिसिन आती है, वो यहाँ रख के रह जाते हैं, टाइम से मेडिसिन नहीं पवाती है। इससे बहुत ही लापरवाही हो रही है, इससे ज़्यादा और क्या कहें। क्या नाम है? मेरा नाम है हेमंत सिंह लोधी। अभी आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम केरबना तहसील पटियागढ़ जिला दमोह का निवासी हूँ। क्या और काम था? रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यू करवाना था। पोस्ट ऑफिस बंद है, कितने बजे हैं अभी? बारह बज के 45 मिनट हो गया, लेकिन अभी तक उनका कहीं अता पता नहीं है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक वरिष्ठ अधिकारी ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह के पुराने तालाब के पास की कब्रिस्तान में कई तरह के विकास कार्य कमेटी के द्वारा कराए गए हैं, वो भी बिना किसी जनप्रतिनिधि के सहायता के। आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर कार्य हुआ है। दमोह की सबसे पुरानी कब्रिस्तान पुरैना तालाब के पास, जहां पर ईद उल फित्र की नमाज के बाद तमाम मुस्लिम भाई कब्रिस्तान पहुंचे और अपने परिजनों के हक में दुआएं की, लेकिन वहां का जो मंजर देखा वो सबको राहत देने वाला था। बराबर वहां पर साफ सफाई देखी गई, तो वहीं पर चेकर लगाकर रास्ता भी बनाया गया, ताकि अपने मरहूमों की कब्र तक लोग आसानी से पहुंच सकें। और ये सब कर दिखाया है
दमोह कब्रिस्तान कमेटी ने। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ की कब्रिस्तान कमेटी ने किसी जनप्रतिनिधि के बिना सहयोग के ये सब कर दिखाया है पूरा काम, जिसमें शहर के लोगों ने जो तावन किया है उसी तावन से यहाँ पर जो विकास कार्य हुआ है, आइए हम वो आपको दिखाते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद जब हमने कमेटी के लोगों से बात की तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये टीस जरूर दिखी कि यहाँ पर हमारे दमों में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वर्तमान मंत्री भी हैं, लेकिन अफसोस कि कमेटी के लिए जरा सा भी तावन किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक नहीं किया। हमारे जो कौम है, मुस्लिम कौम है, उनके यहाँ से तावन आता है, हम लोग चंदा करते हैं, चंदा करने के बाद देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है और उस हर त्यौहार में हम लोग एक नए काम को अंजाम देते हैं जिससे लोग हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। रोड की व्यवस्था हमारी कमेटी ने की, हमारी कमेटी ने पेड़ पौधा लगाने का भी काम किया, चेकर रोड बनाने का भी काम किया, अभी कुएं में पानी नहीं था। शासन प्रशासन से हम लोगों ने बहुत बार मदद मांगी है, वो हम लोगों को नहीं मिल पा रही है कहीं से। अभी हम लोगों ने हैंडपम्प कर भी किया था, कहा था उनसे, तो वो भी नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने खुद पर्सनल अपने पैसों से यहाँ पे हैंडपम्प लगवाया है और बाउंड्री वाल के लिए ऐसा है कि अगर आवाम चाहेगी तो दो दिन में बन जाएगी, अगर आवाम चाहेगी तो दो दिन में पूरी बाउंड्री बन जाएगी, हमें किसी शासन प्रशासन से जरूरत नहीं। हम लोगों ने कई बार डिमांड की और हमारे यहाँ विधायक, हमारे यहाँ के सांसद और उसके पहले राहुल सिंह भी थे, उसके बाद उसके पहले प्रहलाद पटेल भी थे, अब आज अजय टंडन है। हमें कोई राहत राशि नहीं मिली कब्रिस्तान को, हमारी कौम को कोई राहत राशि नहीं दी जाती और ना हमारे यहाँ का कोई काम किया जाता, ना हैंडपम्प लगा आज तक शासन प्रशासन से, ना लाइट की व्यवस्था हुई आज तक, ना रोडों की व्यवस्था हुई, ना बाउंड्री की व्यवस्था। दमोह का पुराना कुआं बाराद्वारी के बाराद्वार साफ नजर आने लगे हैं। नगर पालिका ने आज यहाँ से सारा अतिक्रमण हटा दिया, कुआं का नवीनीकरण भी किया जा रहा। दमोह जिले का एक ऐतिहासिक कुआं बाराद्वारी जो अतिक्रमण की चपेट में लंबे समय से था, आखिरकार उसको आज एक नया जीवन दान मिला और आसपास का जो अतिक्रमण था आज वो ढा दिया गया। जी हाँ, नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने आज बाराद्वारी के 12 के 12 द्वार खोल दिए। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। कुएं के संबंध में काफ़ी यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ जो प्रतिष्ठित लोग हैं, पत्रकार मीडिया के माध्यम से इस मैटर को कई बार प्रकाशित किया गया कि यह बाराद्वारी जो है ऐतिहासिक धरोहर है, पुराना कुआं है जिससे पहले कभी शहर में वहीं से सप्लाई की जाती थी और पानी के लिए मुख्य स्रोत था। उसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उसकी साफ सफाई की योजना तैयार की गई। आज मेरे द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पास के द्वारा पाया गया कि वहाँ कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किए थे, एक गुमटी बनाई ली गई थी जिससे उसके चारों तरफ आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। उसको आज अतिक्रमण दस्ते ने हटा दिया गया है और अभी हम उसको डिवाटरिंग करा रहे हैं। जैसे डिवाटरिंग हो जाएगा तो उसको उसी रूप में जैसे उसके बारह द्वार थे उसी बारह द्वारी के रूप में उसको हम विकसित करने का हमारा प्रयास है और इसको हम लोग यथाशीघ्र उसी संरचना को बनाएंगे जिससे ऐतिहासिक धरोहर जो है वो बाराद्वारी की पुनः कायम की जा सके। जिस तरीके से बाराद्वारी के आसपास के इस अतिक्रमण को हटाया गया है, इसी तरह दमोह जिले में और भी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको संरक्षण करने के लिए नगर पालिका को समय समय पर इसी तरह की कार्रवाइयां करनी होंगी। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज, दमोह। शासकीय महाविद्यालय हटाकी राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं के द्वारा वॉलेंटियर के रूप में काम किया जा रहा है, समाज सेवा का संदेश दिया जा रहा है। प्राचार्य पी के ढाका छात्रों को संबोधित करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के महत्व को बता रहे हैं। छात्रों ने रैली निकालकर नगर के शास्त्री वार्ड
गड़िया में जल संरक्षण व शौचालय मुक्त जागरूकता अभियान चलाया। गड़िया गांव की ओर सभी ने हमारे जो वॉलेंटियर हैं, महिला पुरुष वॉलेंटियर हैं, उन्होंने जल संरक्षण और मुक्त शौचालय का अभियान को चलाया और गांव-गांव में जाकर सभी को इसमें जागरूक किया। आज महाविद्यालय गांधी प्रांगण में भी हमारे एनएसएस के महिला पुरुष प्रांगणों ने पेड़ पौधों में पानी डाला और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की, जिसके लिए शासकीय महाविद्यालय हटा की एनएसएस इकाई की महिला पुरुष अधिकारी डॉक्टर शिवानी राय आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सहृदय आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और अपना देश के प्रति, समाज के प्रति जो योगदान आपने दिया उसके लिए हम दिल से, सहृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपका सहयोग, आपकी सेवा जो आपने निश्चित रूप से अपने आंतरिक रूप से सेवा की है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी समाज सेवा इसी तरह प्रदान करते रहेंगे। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर काफी तादाद में वॉलंटियर मौजूद रहे। हटा से भरत साहू की रिपोर्ट। ठुठेरा कलाम में एक विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसको लेकर एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर यह कलश यात्रा गुजरी। इससे लगभग 2 किलोमीटर दूर पीपल वाले महावीर धाम मंदिर पहुंची, जहां कलश शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। श्री महावीर भगवान का विशेष पूजन अर्चन हवन कर इस शोभा यात्रा का विधि विधान से समापन हुआ। जानों की संख्या में माताएं बहने इस शोभा यात्रा में शामिल रही। बताइए पंडित जी, आज का कार्यक्रम किस प्रकार से रहा? ठुठेरा कला से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित महावीर पर 24 अवतारों सहित राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम कलश यात्रा से शुरुआत हुई। आज के कार्यक्रम की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए महावीर मंदिर पहुँचे। वहाँ पर भगवान की आवाहन कर्मकुटी एवं जिलाधिवास आज के कार्यक्रम में सम्मिलित है। आज का कार्यक्रम जिलाधिवास होगा। सभी महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रख करके पूरे गांव में भ्रमण करते हुए महावीर मंदिर प्रांगण में पहुंचे और भगवान का आवाहन और जिलाधिवास आज के कार्यक्रम में होगा। धन्यवाद। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। हटा नगर पालिका में पदस्थ कर्मचारी एवं कर्मचारी नेता राजू सनकत के छोटे भाई अशोक सनकत की बेटी काजल का विवाह दमो निवासी अभय कछवाहा के साथ पुराने रीति रिवाज से संपन्न हुआ। विदाई के समय वधु को फूलों से सजी पालकी में बैठाया गया। परिवार के लोगों के द्वारा डोली को अपने कंधों पर रखकर घर से चंडी मंदिर तक ले जाया गया। आगे आगे डीजे की धुन बज रही थी, उसके पीछे घोड़े पर दूल्हा चल रहा था और उसके पीछे पालकी में दुल्हन को परिवार के लोग कंधों पर लिए जा रहे थे। साथ में महिला पुरुष चल रहे थे, जिसने भी बेटी की डोली को जाते देखा उसकी आंख से आंसू आ गए। Thank you.
आपने जो रीति रिवाज से शादी की पुरानी, आपको शादी करके कैसा लगा? बहुत पुरानी रीति रिवाज संस्कृति को अपने देखते हुए हमने जब देखा कि आज के समय में लोग पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं और वर्तमान समय में नए नए नियमों से शादी कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस पुराने रीति रिवाज को जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं उसके अनुसार शादी के, और हमने जो शादी की है वो शादी में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो पूरी पुरानी रीति रिवाज से हुए हैं, और हमने अपनी बेटी के विदाई के समय भी पालकी में जो पुराने समय में टोली में बिठाकर बेटियों को विदा करते थे, इससे हमें बहुत खुशी महसूस हुई है कि हमने पुनः उस पुरानी संस्कृति को जागृत किया है जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं। हटा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के हरदयाल घंटा घर के समीप स्थित श्री बूंदा भू मंदिर में इस समय बैसाख माह के चलते पूरे एक माह तक भव्य शिवलिंग निर्माण कार्य चल रहा है। प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण कार्य हो रहा है। सुबह से यहां पर शिवलिंग निर्माण कार्य होता है जिसमें भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज सभा। हटा में एक गोलीकांड हुआ था जिसमें बीजेपी नेता के ऊपर गोली चलाई गई थी। इस मामले में एक आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका था जो कि मुख्य आरोपी था। अब दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। 10/4/22 को एक गोली चलन की घटना हुई थी जो प्रकरण विवेचना थी, जो मेन आरोपी था पूर्व में ही उसके गिरफ्तारी हो गई। जो आलोक वर्धन हजारी उस प्रकरण में 120B का आरोपी है उसे थाना प्रभारी ने गिरफ्तार कर न्यायालय दाखिल किया गया। बाकी उसके अग्रिम विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नगर की शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के मार्गदर्शन में श्री आशीष ध्रुवे व्यवहार न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण व्यवहार न्यायालय गड़ाकोटा की उपस्थिति में श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह 1 मई से 7 मई तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ाकुटा में श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा। इस अवसर पर विशेष तौर पर आशीष ध्रुव व्यवहार न्यायाधीश शिविर में उपस्थित रहे। इस अवसर पर BMO सेहत न्यायालय के कर्मचारी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ाकुटा में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? समिति के द्वारा एक श्रमिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मैं स्वयं मरीजों को देख के जो जितने भी श्रमिक वर्ग है उनके लिए जो भी जांचें हैं जो भी दवाइयां हैं निःशुल्क
अस्पताल की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से दी जा रही हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपना कीमती समय निकाल के अपनी उपस्थिति दी है संस्था में, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक अच्छे काम के लिए आगे आते हैं। शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यायालय व्यवहार गड़ाकोटा द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, माननीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के द्वारा दिशा निर्देश के तहत 1 मई से 7 मई के बीच में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसके तहत विधिक सेवा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जो भी श्रमिक वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष कैंप आयोजित किया गया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। यातायात थाने में भाजपा का जमकर हंगामा, सूबेदार को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। तेंदुए ने किया युवक पर हमला। रोजगार सहायकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 5 साल में 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है वेतन। नोटा थाना अंतर्गत अफाना टेक पर मिला स्वास्थ्य कर्मचारी का शव, क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।